नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूँ आपके साथ पूजा। बिहार का सियासी माहौल कुछ समय से काफी गरमाया हुआ है। पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच बयानबाजी का एक अलग ही दौर शुरू हो गया है। सभी पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत करने की होड़ में लगे हुए हैं, तो खुद को मजबूत दिखाने की राह में विपक्ष को कमजोर साबित करना भी जरूरी हो गया है। इसी कड़ी में LJPR सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी बिहार की सत्ता में बैठे विरोधियों पर खुद की हत्या करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। चिराग ने बुधवार की शाम औरंगाबाद सदर प्रखंड के बसडीहा में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्रा के संगठन हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के बैनर तले खेले गए फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह में कहा कि चिराग महिलाओं के अधिकार की बात करता है, बिहार के युवाओं के भविष्य की बात करता है, आवाम के अधिकार और पूरे 13 करोड़ बिहारियों के सम्मान की बात करता है, दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रहे लोगों को बिहार वापस लाकर रोजगार की बात करता है, तो ये सब बिहार की सत्ता में बैठे उनके विरोधियों को रास नहीं आता। और जब चिराग ऐसा कहता है तो षड्यंत्र रचा जाता है चिराग को समाप्त करने का, षड्यंत्र रचा जाता है चिराग की राजनीतिक हत्या का। उन्होंने पूछा कि आखिर क्या कसूर है चिराग पासवान का, तो सुनिए क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने। चिराग पासवान चाहता है हमारे युवाओं को अपने ही पर चिराग पासवान जब ये बातें करता है तो षड्यंत्र रचा जाता है चिराग पासवान को समाप्त करने के। षड्यंत्र रचा जाता है चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करवाने के। क्या कसूर है भैया चिराग पासवान का? भविष्य की बात करता है, किसान मजदूरों के अधिकार की बात करता है, 13 करोड़ बिहारियों को साथ लेकर। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।